अगर तुम्हें तुम्हारे बाबा से इतना ही डर लगता है ना, तो अपनी बीवी का चोरी किया हुआ नेकलेस मुझे देने की जरूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। अरे जो हुआ उसे भूल जाओ। आइडिया तो ठीक है, एक बात का डर है मुझे। वो क्या? हादिया को अगर पता चल गया कि ज्वेलरी नकली है फिर? अरे नहीं नहीं उसे कभी पता नहीं चलेगा कि जिस ज्वेलर के पास मैं तुम्हें भेज रही हूँ ना, उस पर मुझे पूरा यकीन है। हम तो उससे पहले भी काम ले चुके हैं, क्यों रमशा? वो मामा के कहने का मतलब ये है कि जिस ज्वेलर का हम बता रहे हैं ना, वो हमारा खानदानी ज्वेलर है और तुम उससे कोई भी काम निकलवा सकते हो। हादिया को बिल्कुल शक नहीं होगा। ठीक, हादिया को उसके पास ले जाता हूँ, सेट दिला देता हूँ, मेरी जान छूट जाएगी। रोज बाबा के डर का सामना करना पड़ता है, इट्स गेटिंग टेरिबल नाउ। अगर तुम्हें तुम्हारे बाबा से इतना ही डर लगता है ना, तो अपनी बीवी का चोरी किया हुआ नेकलेस मुझे देने की जरूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। अरे जो हुआ उसे भूल जाओ। अब बात को आगे बढ़ाने से इख्तलाफात ही बढ़ेंगे ना, हमें तो अपना मकसद पूरा करना है। मैं भी यही चाहता हूँ, ये बात इसको समझाएगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बीच में साथ छोड़ जाए। मैं आप दोनों के साथ हूँ हमेशा, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए अपने मामला सुलझाने के लिए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये रमशा भी ना बस बेकार बोल जाती है। अच्छा चाय पियोगे? जी अभी चाय बना के आती हूँ।